हिमाचल प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा प्रदान करने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही व्यंग करती है। चंबा जिला की राजकीय उच्च पाठशाला स्कूल की सुरक्षा दीवार पिछले एक साल पहले गिर गई थी, जिससे स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को मॉर्निंग असेंबली और खेलकूद करने में भी परेशानी होती है। अब तक स्कूल में 62 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा दीवार के गिरने से कभी भी कोई बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है, जिसके चलते बच्चे खौफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। खेलते खेलते या मॉर्निंग असेंबली के दौरान कोई बच्चा यहाँ से गिर जाए तो सोचो उसका क्या हो सकता है। इस सुरक्षा दीवार के बारे में कई बार विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ, जिसके चलते बच्चों के सिर पे खतरा मंडराया हुआ है। ऐसे में बेहतर शिक्षा और बेहतर खेल सुविधाओं के दावे सरकार के हवा हवाई होते दिख रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल की सुरक्षा दीवार गिर गई है, जिसके चलते उन्हें हरदम खतरा सताता रहता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, खेलने में भी परेशानी हो रही है। सरकार से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द यहां सुरक्षा दीवार लगाई जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मैं गोविट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ की बाउंड्री वाल टूट गई है। हमें खेलते समय नीचे गिरने का खतरा है। मेरी सरकार से ये मांग है कि हमारी बाउंड्री वाल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, जिससे हमें खेलने में कोई दिक्कत भी नहीं आए। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पंता में पढ़ता हूँ। यहाँ पर सुरक्षा दीवार टूट गई है, जिससे खेलते समय हम नीचे गिर सकते हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि यहाँ की बाउंड्री दीवार को जल्दी से जल्दी ठीक करवाए, ताकि हमें खेलते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। वहीं स्कूल के कार्यवाहक मुख्य अध्यापक मोहिंदर ठाकुर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा स्कूल की सुरक्षा दीवार तोड़ दी गई। इसके अलावा स्कूल के शौचालय को भी गंदा कर देते हैं। कई बार मॉर्निंग असेंबली और बच्चों को खेल गतिविधियां करवाने में भी खतरा बना रहता है। सरकार से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस दीवार को मरम्मत करवाई जाए, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। देखो जी, स्कूल प्रशासन की ओर से सर्वप्रथम तो इसका निर्माण हमने किया था कि बच्चे नीचे ना गिरें, और ये जो हमारा बाउंड्री वॉल का जो डंगा है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इससे बच्चे नीचे गिरने का खतरा बना रहता है और किसी की हाथ पांव वगैरह भी टूट सकते हैं बच्चों के। तो यहाँ के जो स्थानीय जो शरारती तत्व हैं, कुछ लोग, अब किसी को नहीं कह सकते, व्यक्ति के नाम नहीं ले सकते हैं, जो सुबह शाम आते हैं और दीवार को लात मारना, जैसे टॉयलेट के ताड़ा और लॉक को तोड़ जाना है ना, और दूसरा अगर लॉक वगैरह टूट जाते हैं तो आकर के हमारे टॉयलेट में गर्ल्स के बॉयज़ के इसमें गंदगी डाल देते हैं, और गंदगी डालने के बाद अगर उच्चाधिकारी हमारे जब इंस्पेक्शन पे आते हैं, इंक्वायरी पे आते हैं, चेकिंग पे आते हैं, तो वो हमारे से मतलब इसकी जवाबदेही हो जाती है, जिसके चलते हमें इसका जवाब देना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से, कि अगर जो हमारे 5 बीघा का जो हमने इसके लिए जो सरकारी भूमि स्कूल के नाम करवाई है, विभाग के नाम करवाई है, इसके लिए सरकार कुछ हमें या किसी दूसरी पार्टी को पंचायत के जरिए से इसे 4 दीवारी कर दें, ताकि इस प्रकार के जो खतरे बने हुए हैं, ये इनसे बचा जा सके। और बच्चे ज़्यादातर अधिकतर मॉर्निंग असेंबली में आप जानते ही हैं कि बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, इनका ध्यान आगे होता है, जैसे इनको कमांड दी जाती है कि कवर अप के लिए, तो बच्चे पीछे की ओर चलते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा भय बना रहता है। तो मैं चाहता हूँ सरकार ऐसे कार्य करे कि जिससे हमारे बच्चों का थोड़ा फायदा हो। और चंबा से PLTV के लिए मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।